हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आल एक्सरसाइज ऑफ लेसन 9 एयर अराउंड अस। ओके, यानी इस वीडियो में हम आपको सभी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे और इसको आपको अपने बुक में कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद आप इसको नोटबुक पे कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 9 एयर अराउंड अस, एक्सरसाइज नंबर ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट टाइम एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी वीडियो को देखिएगा साथ में बुक पेंसिल रेजर आप लेकर बैठिएगा, ताकि जैसे जैसे वीडियोस में हम फिल कराते जाएंगे वैसे वैसे आप बुक को फिल करते चलेंगे। बिना बुक के आप वीडियो को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब आपके पास बुक ही नहीं होगा तो आप सुन लेंगे, दूसरी तरफ आप कंप्लीट नहीं करोगे, बाद में फिर ये मिस हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो बुक पेंसिल और रेजर ले लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, व्हेन विंड ब्लो जेंटली इट इज कॉल्ड, देखिए व्हेन विंड ब्लो जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रिज। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि जब जेंटली ब्लो होता है विंड तो उसे हम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। वेरी फास्ट मूविंग एयर, वेरी फास्ट, अगर एयर जो था मूविंग एयर वेरी फास्ट होता है, बहुत तेज होता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। विंड हेल्प्स इन, विंड हम किस चीज़ की हेल्प करता है, फ्लाइंग काइट्स, यस। ड्राइंग, नो, ड्राइंग में तो कोई हेल्प नहीं है विंड जो होता है, ठीक है ना। और रीडिंग, रीडिंग में भी उसका कोई काम नहीं है, तो हमको किस में सबसे ज़्यादा फैक्ट इसका सही है, फ्लाइंग काइट्स पे है। ब्रीथिंग, एयर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब जो सांस लेने में हमें कौन से किस टाइप के जो एयर हमारे लिए सही नहीं है, फ्रेश, ये तो हमारे लिए सही है। क्लीन, साफ होनी चाहिए, ये भी सही है। इम्प्योर, नॉट, इम्प्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रीथिंग इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। नंबर फाइव, मेक एयर क्लीन एंड फ्रेश। एयर को क्लीन और फ्रेश कौन बनाता है, फैन, प्लांट, इंडस्ट्रीज। फैन तो नहीं बनाता, इंडस्ट्रीज से भी तो स्मोक वगैरह निकलते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, तो कौन बनाता है, प्लांट बनाता है, ठीक है ना। प्लांट जो हमारे एयर को बिल्कुल फ्रेश एंड क्लीन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 टिक द करेक्ट कंप्लीट, इसको आप अपने बुक में फिल कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखिए आपको फिल करना है, ठीक है ना, और हेल्प के लिए आपको बॉक्स में भी ऑप्शन दे दिया है। तो चलते हैं नंबर वन, वी नीड टू ब्रीथ, वी नीड टू ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन, फ्रेश एंड क्लीन एयर। तो इसमें आपको क्या फील होगा, फ्रेश एंड क्लीन, इसको फिल कीजिए। अब चलते हैं नंबर सेकेंड, ब्लैंक्स है इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। जो डायरेक्शन ऑफ विंड, अगर डायरेक्शन ऑफ विंड को फाइंड करना तो हम विंड वेन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप विंड वेन इसमें सेकेंड में फिल करेंगे। नंबर थर्ड, एयर ऑलवेज ब्लो इन ए डायरेक्शन। अभी इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में जब एक्सप्लेन कर रहे थे वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था, एयर एक डायरेक्शन में ब्लो होता है, ठीक है ना। तो एयर ऑलवेज ब्लो इन ए डायरेक्शन, डायरेक्शन फिल कीजिए। नंबर फोर, फोर्स ऑफ विंड कैन अपरूट ट्रीज। फोर्स ऑफ विंड, जो हवा का फोर्स होता है वो ट्रीज को अपरूट कर देता है, ठीक है ना। विंड हेल्प्स ए हॉट एयर बैलून टू राइज एंड फ्लाई। बैलून को जो है ऊपर, हॉट एयर बैलून टू राइज एंड फ्लाई, ऊपर उठाने और उड़ाने के लिए विंड का ही हेल्प लिया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर सी की तरफ। ये आपका बी फिल हो गया है, आप इसको एक बार अच्छे से देख के समझ के फिल कर लीजिए, ठीक है। मैं सी की तरफ चलता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर सी, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर, वी कैन स्मेल एयर, हम हवा को जो है सूंघ सकते हैं, नो, फाल्स, ठीक है। देखिए फाल्स, फर्स्ट फाल्स। सेकंड में आते हैं, स्टॉर्म ब्लो, स्टॉर्म ब्लो थिंग्स अवे। स्टॉर्म जो होता है चीज़ों का दूर ले जाता है, यस, ये सही है, सेकंड ट्रू। नंबर थर्ड, स्ट्रॉन्ग विंड हैज लेस स्पीड। जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है क्या वो कम स्पीड का होता है, नहीं, ये ज़्यादा स्पीड का होता है, फाल्स। नंबर थ्री, फाल्स। नंबर फोर, जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। जर्म जो होते हैं एयर को इम्प्योर करते हैं, सही है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड यूज हैंड करचिफ वाइल स्नीजिंग। मैंने इसको बताया था ना, जब आप स्नीज करते हो तो किसको यूज करना चाहिए, हैंड करचिफ को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके आपका ट्रू होगा।
नेक्स्ट नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। अब मैचिंग आपका आ गया, चलिए मैचिंग देखते हैं। इस समय मैचिंग आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, ठीक है। ब्रिज, ब्रिज आपका मैच होगा जेंटल विंड। नेक्स्ट विंड, विंड आपका मूविंग एयर। स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट ब्लोइंग विंड। विंड वेन, डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है ना। विंड वेन अभी ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था। विंड वेन क्या करता है, वो डायरेक्शन ऑफ विंड को फाइंड आउट करता है, ठीक है ना। यानी जो हवा होता है उसकी दिशा को बताता है। प्लांट्स, क्लीन एंड फ्रेश एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो क्लीन और फ्रेश आवर, सॉरी क्लीन एंड फ्रेश एयर, जो प्लांट होते हैं वो एयर को क्लीन एंड फ्रेश करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने आपको लेसन 9 का सभी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा और बुक्स में सारे फिल कर लीजिएगा, ओके। फिर उसके बाद जब बुक सारे फिल हो जाएंगे तो इसको नोटबुक जो आप साइंस का बनाए हैं उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। और जब होमवर्क में आपको सबमिट करने के लिए कहा जाए तो आप वन बाय वन उसी तरीके जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए उस तरीके आप सबमिट भी करते रहेंगे, ओके। थैंक यू।